ભારતના દબાણ ખાતા અને લારીવાળાઓ વચ્ચે સમયાંતરે ઘર્ષણ થતા રહે છે. વારંવાર શાકભાજી વિક્રેતાઓ તેમજ અન્ય ચીજ વિક્રેતાઓ સાથે દબાણ ખાતાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે ઝઘડો થતો રહે છે. દબાણ ખાતા દ્વારા લારી ઉચકી જવાય છે અને ત્યારબાદ થોડા દિવસ પરત આપી દેવામાં આવે છે. લારી પરત આપ્યા બાદ શાકભાજીવાળા ફરી ત્યાં જ ઊભા રહી જાય છે અને આ પ્રકારે સતત સિલસિલો યથાવત રહે છે. જ્યારે અધિકારીઓ ઉપર દબાણ આવે છે ત્યારે દબાણ ખાતું જાણે ખૂબ બાહોશની કામગીરી કરી હોય તે રીતે લારીવાળાઓ પર તૂટી પડે છે અને ફરી વખત મનપાની જ આવી દાદાગીરી સુરતના કતારગામ ઝોનમાં જોવા મળી હતી, જેમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી લારી પર શાકભાજી તેમજ અન્ય ચીજ વસ્તુઓ વેચતા લારીવાળાઓને મનપાની સિક્યોરિટી ગાર્ડ દ્વારા ઢોળ માર મારવામાં આવ્યો છે. રીતસરના આતંક મચાવતો હોય તે રીતે સિક્યોરિટી ગાર્ડના જવાનો પર લારીવાળાઓ બેફામ રીતે દંડાવાળી કરી હતી, જેને લઈ વિવાદ સર્જાયો હતો. મનપાના ચીફ સિક્યોરિટી ઓફિસર દ્વારા તપાસ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. મહેશ કુમાર પટેલ. ક્યાં હોય થી પૂરી ઘટના? પૂરી ઘટના મ્યુનિસિપાલિટી વાળે આય, म्युनसिपाल्टी वाले ने उनके गार्ड आए, खाली गार्ड वालों मेरे को दौड़ाए. उसके बाद हम लोग उधर भाग गए अर्चना हॉस्पिटल के पास. अर्चना हॉस्पिटल के पास चुप्पे से आए बाइक से, हम लोग को पकड़े. खाली उसमें म्युनसिपाल्टी वाले कोई नहीं था, कोई साहब नहीं था, खाली गार्ड वाले ने पकड़ा और बोला खाली कर. हम खाली करने लगे तो मेरे को मारने शुरू किया. बोलता है भोलड़ी के मादार चौत बहन चौत, मेरे को ऐसे गाली गाली इतनी भद्दी भद्दी गाली देने लगा और मारने शुरू कर दिया. खाली मुझको ही मारा उधर अर्चना हॉस्पिटल के बगल में. कितने गार्ड थे सिक्योरिटी वाले? चार पांच थे, गार्ड ही थे, कोई एसएमसी वाला साहब भी नहीं थे. वही खाली गार्ड ही मारने शुरू किए. मेरे कहाँ चोट पहुंची आपको? मेरे पैर में यहाँ पे पहुंची है, मेरे पैर में पड़ा है. उसके बाद मेरे को गाली बहन बेटी कुल गाली देने लगे. ये देखो साहब, बरसाती सुनकर क्या हुई थी पूरी घटना? पूरी घटना ये 6:30 बजे के बाद है. सिक्योरिटी गार्ड वाले आके पहले से ही बैठे थे वहाँ पे, चाहे वो पी रहे थे. उसके बाद जब हमने किसी ने हमको बताया कि म्युनिसिपाल्टी आया तो हम भाग रहे थे, तो हमको डंडा निकाल के पकड़ के खींचने लगा और मारने लगे. मैं लारी लेके भागने लगा तो बार बार डंडा मार रहे खींच खींच के. और उसके बाद मेरा माल भी सब छितिर बितिर हो गया रोड पे, 5,000 रुपये का पूरा माल. सिक्योरिटी के स्टाफ थे उसमें? तीन थे, तीन के तीनों लपट गए हमारे ऊपर अकेले. आपने कुछ बोला नहीं? एक शब्द नहीं, खाली उनको बोला भाई हमको क्यों मार रहे हो? तो बोले तुम्हारे जो तुम्हारे बाप को नौकर यहाँ तुम लोग लारी लगाते हो, हमको गाली सुनना पड़ता है. हम के लिए भाई आपको क्यों गाली सब देंगे? तो बोले नहीं हमको फ़ोन करके दुकान वाले गाली देते हैं. कहाँ कहाँ ईजा पहुँची आपको? हाँ, ईजा कहाँ कहाँ पहुँची? ये हमारे पूरा देखो, ये सब मार दिए पूरा. ये हुआ, ये पूरा हुआ, हाँ सब दिखा दे. ये देखिए यहाँ पे मैं पैर का अपंग आदमी हूँ, मेरा पैर भी काम नहीं चल, मैं धीरे धीरे चलता हूँ. ये देखिए हमारा पैर, मैं चल नहीं पाता. क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है वो सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड करियो. आप पैर पे चल नहीं सकते? हाँ चल नहीं सकता. उसको मैं बोल रहा हूँ भाई देख मैं चल नहीं पाता तो भी हमको मार रहा है.